नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, तो आपको क्या करना है, इसे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सर्वनाम की पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम क्या होता है। दोहराव कर लेते हैं। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो, यह है, तुम इत्यादि। चलिए हम आगे एक और बात जान लेते हैं जो हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एकवचन सर्वनाम और बहुवचन सर्वनाम क्या होता है, एकवचन और बहुवचन। तो इसमें हमने बहुत ही कुछ पढ़ा था, जैसे कि एकवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, और ये हमने कर्ता में पढ़ा था, यानी कर्ता में। जैसे मैं भी होता है एकवचन में, तू होता है, वह होता है, एंड मैंने होता है, और तूने, उसने, यह सब एक वचन जो इस लाइन में है, ये एक वचन है। अब आप समझ रहे हैं। और जो इस लाइन में है वो बहुवचन थे, ये हमने पढ़ा था। तो चलिए अब हम आगे चल लेते हैं। आज हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, अब आपको अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ लेना है। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप इन सभी सर्वनाम को अपनी कॉपी में लिखकर भी रख सकते हैं। जैसे मैं, अब ये जो मैं शब्द है यह भी सर्वनाम होता है, बट पुरुषवाचक जो सर्वनाम क्या होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है बच्चों जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले, और तथा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान से पढ़ रहे हैं आप, सॉरी वो सॉफ्टवेयर था। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वे, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार कौन होते हैं? पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम जो पुरुष होता है वो भी होता है पुरुषवाचक का। उत्तम पुरुष यानी कि वह सर्वनाम जिन्हें बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे कि अब उत्तम पुरुष पहला पुरुष हुआ जो बोल रहा है, तो वो देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे मैं बोला, मैं प्रथम आया हूँ, हम कल हरिद्वार जाएंगे, यानी उसने बोलने की कोशिश की। आगे चलते हैं। अगला होता है मध्यम पुरुषवाचक यानी वो सर्वनाम जिन्हें बोलने, व्यक्ति सुनने और व्यक्तियों का परिणाम किया जाता है। जैसे तुम्हारी, ये तुम्हारी जो शब्द है यह किसके लिए हो रही है प्रयोग? दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। अन्य
पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक यानी कि वह सर्वनाम जिन्हें बोलने या कहने वाले व्यक्ति सुनने वाले के लिए ना बल्कि जिसे तीसरे व्यक्ति यथार्थ के लिए, जैसे वो ना ही सुन रहे हो और ना ही हमारी तरफ देख रहे हो बट हमें उनको कुछ कहना है, जैसे ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है और ये दूसरा व्यक्ति दूर खड़ा है। अब हम दोनों बात कर रहे हैं कि चलो स्कूल चलते हैं, वो देखो वो वह भी स्कूल जा रहा है, इसे मैं बोल रहा हूँ। तो वो हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि के बारे में बताता है। अवस्था, जिन सर्वनाम के शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का निश्चित पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिससे निश्चय एक व्यक्ति का पता चले। निश्चय क्या होता है? यानी पक्का, यानी कि पूरी तरह हमें पता चल जाए। जैसे अब मैंने बोला यह है मेरी किताब है, तो मेरे को पता है ना कि यही मेरी किताब है, यह है मेरी ही किताब है। ध्यान से पढ़ रहे हैं आप, मुझे यकीन है। और यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे पुस्तक मेरी माताजी को बहुत पसंद है, वह भारत स्वतंत्र सेनानी है, इत्यादि। आप चाहे तो इन सभी सर्वनामों को अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अभी तो हमने बस आप के बिना वाला सर्वनाम पढ़ा, बट ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये भी कोई सर्वनाम होता है? हाँ, यह भी एक सर्वनाम होता है बच्चों, यह भी एक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक का बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से कोई वस्तु या घटना या निश्चित बोध ना हो, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु की घटना के बारे में अनिश्चय बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी वह सर्वनाम जिससे हमें पता ना चले, जैसे उसका उल्टा होता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होता है, जिससे ना पता चले कि असली, यानी ये एक ही, जैसे हमने ये निश्चय व्यक्ति है। जैसे हम मैंने कहा कोई दरवाजे पर आया, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ राम दरवाजे पे आया, श्याम दरवाजे पे आया है, राधा दरवाजे पे आई है, नहीं ना, मैंने कहा कोई दरवाजे पे आया है। अब मैंने कहा किसने कुंडी खटखटाई, अब मैंने थोड़ी बोला कि राम ने कुंडी खटखटाई या इसने कुंडी खटखटाई या मेरे दोस्त ने कुंडी खटखटाई, मैंने बस यही बोला कि किसी ने कुंडी खटखटाई है, जाओ खोलो। आगे चल रहे हैं, अगला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुष प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, आदि। आप ध्यान से इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। संबंधवाचक सर्वनाम, अब ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के लिए संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि नहीं कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध यानी किसी के एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अब जैसे क्या हो सकता है, वो जैसे जो करेगा वो, जो सोएगा वो खोएगा, जो खाएगा वह
ऐसे निजवाचक सर्वनाम। यह निजवाचक सर्वनाम क्या होता है जी? इसके बारे में तो आज तक हमने नहीं पढ़ा। निजवाचक होता क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने या अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पता ना क्या होगा। आगे चलते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? हमारा आज एक वीडियो आने वाला है इंग्लिश के सेशन पे जो है क्राइम। अभी क्राइम के बारे में हम उसी सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।